तो देखो आज हम पढ़ेंगे क्या नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में आइडिया ऑलरेडी है और हम और आगे फर्दर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि नंबर्स होते क्या है ना। ये बिल्कुल बेसिक से आज की क्लास में अपन बेसिक से देखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे कल से अपन की पावर फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो पहली क्लास में यही होता है कि नंबर्स एक्चुअली होते क्या है, ठीक है। तो ये हम जो नंबर सिस्टम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब इसमें एक तो डेसिमल्स में भी चीजें चलती है और डिवाइड हो जाती है ना फर्दर फ्रैक्शंस में। दूसरा ये टेन के ग्रुप में चलता है नंबर, 1 to 10, 11 to 20 है ना, 100, 11 to 120 किसके ग्रुप में चलता है 10। इसलिए इसको क्या बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। तो नंबर्स से पहले हमको पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होती है, ठीक है। What is digits? What are digits? तो digits होती है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब digit है। प्लस एक और कौन सी digit है इसके अलावा? Zero. Very good. Zero. ये total 10 digits है। ये पूरे जो हमारा नंबर है सारे नंबर इसी से बनते हैं। इनके अलावा किसी कोई ऐसी digit है जो इनके अलावा किसी तीसरे नंबर से बनी हुई हो? नहीं। तो ये सारे 10 डिजिट्स है जिससे पूरे मैथमेटिक्स के नंबर फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे तो मैं एग्जांपल बताऊं कि एक डिजिट ले लेता हूं मैं 3 और एक डिजिट लेता हूं 7। तो यहां से एक तो नंबर बन सकता है इससे दो डिजिट का, कौन सा? 37। और दूसरा 33, ठीक है। ये तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है जब सैनिक स्कूल की तुमने तैयारी की या आर्मी की तैयारी की, ये तुमने पढ़ रखे हैं। दूसरा कि हमने हमको ये भी बताया कि स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट वन ही होता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? वन से, ठीक है। अब मुझे बताओ आगे देखो, मैं ही बता दूँ उनको कि डिजिट्स तुम्हें पता है डेफिनेशन। अगर मैं नंबर्स की पूछूं तो नंबर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ठीक है। बहुत अलग अलग डिजिट्स का ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? नंबर। जैसे 1, 23, 321, 213, 231, 132, 131, 132 और 312 ये 6 नंबर इन 3 डिजिट से बन सकते हैं, ठीक है। ये हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद में हमने क्लासिफाई भी किया था कि नंबर्स को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया। पहला तो रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर हमें अभी नहीं पढ़ने हैं, आगे हमने रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें? रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल नंबर को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया किसमें? फ्रैक्शन और इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर है जो अपने आप में क्या है? कंप्लीट है। उनको फर्दर छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं करते हैं, वो कंप्लीट है। वो क्या है? इंटीजर्स। वो फ्रैक्शन है जिसको हमने और टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, जैसे 2। इसके बाद में नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है? 3। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इनके बीच में नंबर है 2.1। अब मैं 2 और 3 के बीच में जो एक नंबर बन रहा है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 2.1, 2.2, 2.3 और ऐसे करते हुए 2.9 और फिर क्या आएगा 3.0। हम इनको भी फर्दर टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, 2.01, 2.02 ऐसे करते हुए 2.09 और फिर 2.10 यानी 2.1 यही आ गया। ये वाला, ये मैंने 2 और 2.1 के बीच के नंबर लिखे हैं, है? तो ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर से भी छोटा पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। इसके बाद में हमने इनको पढ़ा है इंटीजर्स को, एक तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर्स। इसके अलावा बीच में नंबर कौन सा मिलता है हमें? 0। और अब ये नेगेटिव इंटीजर्स हमारे रियल लाइफ में काम में नहीं आते, है ना। कभी नहीं होता कि ऐसा कि 3 किलो -3 किलो सब्जी -4 किलो शुगर, ऐसा नहीं होता। तो रियल नेचुरल नंबर कौन से हैं? ये जो पॉजिटिव नंबर है
1, 2, 3, 4 यानी मैं अगर नेचुरल नंबर्स का सेट बनाऊं तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और फर्दर इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये नेचुरल क्यों है, क्योंकि नेचर में ये अवेलेबल है, इन्हीं से हम सारी चीजें कैलकुलेशन इन्हीं से करते हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये है कि जैसे 3 ये नंबर है और इसके साथ में मैंने यूनिट लगा दी 3 kg, ठीक है। किसी को नापने के लिए यही नंबर काम में लेंगे, -3 kg काम में नहीं लेते। और ये बताओ 0 kg, ये भी नेचुरली तो कुछ नहीं हो रहा है, तुमको कोई ऐसा बजे जाओ 0 kg आम खरीद लो, तो इसका मतलब क्या है, नहीं लाना, मतलब ये नेचुरल नहीं है, ओरिजिनली नेचुरल नहीं है। पर इसके बिना नंबर इनकम्प्लीट तो है, कैसे इनकम्प्लीट है, जैसे मैंने ऐसा बोला कि मैंने 5 liter मिल्क परचेज किया और 5 liter ही सेल कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, नथिंग। तो उस नथिंग को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, 0 से। मतलब जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उस केस में हमें ये नंबर जो नथिंग आ रहा है वो मिल सकता है, उसको हमने क्या बोला, एक नंबर ही माना है, और उसके बिना पूरी मैथ इनकम्प्लीट सी रह जाएगी, कुछ ये अपने को मिलेगा तो सही ना। तो यानी नेचुरल नंबर्स के साथ में अगर मैं प्लस एक और क्या ऐड कर दूं, तो अब ये नंबर क्या हो गए, कंप्लीट यानी होल, अब टोटल हो गए ये नंबर। अब इसके अलावा हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में बाकी की जरूरत नहीं है ऐसे, ठीक है, यूं है। क्योंकि रियल लाइफ में मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मैंने 3 kg अमरूद, आम, मैंगो कुछ भी है वो परचेज किए और 4 kg सेल कर दिए, तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा -1 kg, है ना। पर ये पॉसिबल थोड़ी है कि मैंने 3 kg खरीद के 4 kg भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो ये होल नंबर के पार्ट नहीं है, नेगेटिव नंबर जो आंसर आ रहा है वो होल नंबर का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमें फ्रैक्शंस का भी पता है, फ्रैक्शंस को कौन कौन से होते हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और रेशनल नंबर वही तो है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाए, वही तो रेशनल नंबर है। तो फ्रैक्शन अगर हम उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डेसिमल, और नहीं तो वो फ्रैक्शनल नॉर्मल फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन दो टाइप के हो जाएंगे, कौन से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, आगे हम पढ़ते हैं। देखो हम नेचुरल नंबर्स की ही बात करेंगे, अगर मैं बोलूं क्या नंबर, तो उसका मतलब क्या ले रहा हूं मैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर या नंबर, हम सब किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर को। जैसे हम बोलते हैं लाइन, 3 cm की लाइन ड्रॉ करो, तो एक्चुअली हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ कर रहे हैं, पर हम कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, लाइन। वैसे ही अब नंबर्स को मतलब हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। तब देखो नेचुरल नंबर को हमने आगे फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो दो पार्ट में, उनकी डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो इवन और ओड। अब इवन नंबर क्या है, जैसे मैं बोला ऐसा बोलो क्लास में इन दोनों बच्चों के मार्क्स इवन आए हैं, मतलब सेम, ये तो होता है इवन का। दूसरा मीनिंग क्या होता है, इक्वल, यही तो होता है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, देखो डेफिनेशन लिखो हेडिंग यही डालो, इवन नंबर, देखो इवन नंबर आर द नंबर्स दैट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू
इक्वल पार्ट। मतलब क्या हुआ इसका? ये तो हमने समझ तो ये सकते हैं कि ऐसा नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, यानी हम ऐसा नंबर जिसके किसी नंबर को भी बीच में से डिवाइड करके दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दें, दो बराबर पार्ट में, इवन पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें टू पार्ट्स में, वो नंबर क्या हो जाएगा? इवन। लाइक वन, वन को तुम डिवाइड नहीं कर सकते दो पार्ट में, करोगे तो फ्रैक्शनल फॉर्म आएगी 0.5 और 0.5 है ना, कंप्लीट नंबर नहीं रहा, मतलब एक तरीके से इंटीजर नहीं रहा। लेकिन टू को तुम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, टू कौन कौन से, सिक्स को थ्री थ्री सिमिलरली फर्दर हम कर सकते हैं। तो हमको हम ऐसे याद कर सकते हैं ऐसा नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, पर एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ऐसा नंबर जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे? इवन। तो मुझे अब बताओ सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? टू। नॉर्मली अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? लेकिन मैं ऐसे बोल दूं स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर व्हाई? स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर कौन सा है? जीरो होगा या टू होगा बताओ? जीरो क्यों होगा? जीरो का मतलब हमने अभी क्या देखा था? नथिंग। नथिंग को तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जीरो को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे तो दोनों को, यानी मेरे पास जीरो था मुझे तुम दोनों को जीरो जीरो देना है, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तुम दोनों को कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, तो बराबर कर दिया। ये है तो जीरो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो जीरो क्या है? होल स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है। और अगर मैं होल अगर ना लगाऊंगा और केवल नंबर ही लगाऊंगा तो मतलब हमारा क्या है? काउंटिंग नंबर या फिर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जीरो स्मॉलेस्ट इवन नंबर, जीरो स्मॉलेस्ट होल इवन नंबर, हाँ होल इवन नंबर, वेरी गुड, ठीक है। और ओड नंबर, ओड क्या है? इसीलिए ओड है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे दो पार्ट में, तो इसी को बस नोट लगा के लिख दो, तुम लिख लो ओड नंबर क्या होता है। नंबर एट cannot be divided into two equal part. Number that cannot be divided into two equal part is called odd number. अब ये perpetual जाते रहते हैं continuously, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 and further more, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये हमने डिवीजन देखा नेचुरल नंबर का कौन से बेसिस पे था? ऑन द बेसिस कि वो कैसे डिविजिबल हो रहे हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन मैं नेचुरल नंबर को अगर उनके फैक्टराइजेशन पे डिवाइड करूं तो भी दो कैटेगरी बनती है, कौन कौन सी? एक तो प्राइम और दूसरा कंपोजिट, ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने पढ़ रखा है फैक्टर्स क्या होते हैं, पता है? जिस जिन नंबर से वो नंबर बना होता है उसके क्या होते हैं? फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या होते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू हमको मिल रही है वो उसके क्या है? मल्टीपल्स। जैसे मैं बोलूं कि थ्री, थ्री के मल्टीपल्स निकालो तो थ्री को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, थ्री बन जा थ्री, पहला मल्टीपल, दूसरा नाइन, ट्वेल्व, तो ये थ्री के मल्टीपल्स है, ये थ्री को मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं। और आगे मैं ऐसा बोल सकता हूँ 30 भी इसी का मल्टीपल है थ्री का, ठीक है। पर मैं जैसे पूछू फैक्टर कि सिक्स इसके फैक्टर निकालो, मतलब ये नंबर किससे बना हुआ है, कम सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, ये फैक्टर का मतलब ये है कि इसके स्मॉलेस्ट पार्ट इंटीजर्स कौन से हैं जिससे ये किसी का प्रोडक्ट ये आ सकता है, वो इसके फैक्टर है। जैसे वन को किसी से मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आ सकता है, आ सकता है सिक्स, तो एक तो वन इसका फैक्टर है, टू को थ्री, थ्री को टू और सिक्स को वन, तो ये चार इसके क्या है? फैक्टर्स। फैक्टर्स
ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा था और ये दोबारा भी। अब हम देखो किस बेसिस पे, किसी फैक्टर्स के बेसिस पे हम फैक्टराइजेशन का, इसका बेसिस क्या है आपके पास, नंबर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। यहाँ तो बेसिस क्या था, डिवाइड करने के हिसाब से, यहाँ फैक्टर के हिसाब से। बेसिस क्या है, फैक्टर्स। तो एक यू बताओ, पहला फैक्टर निकालता हूं मैं, दो चीजें आपको एक पॉइंट बताता हूं। देखो एक नंबर है वन, वन हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो ये हर एक, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे हर एक नंबर मिल सकता है। यानी मैं अगर मेरे को सिक्स लाना है या सेवन लाना है तो वन से सिक्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा सिक्स आ जाएगा, वन से सेवन को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेवन आ जाएगा। तो वन तो सबका फैक्टर है, हर एक नंबर का फैक्टर है या नहीं है, वन वन है। तो देखो वन क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। दूसरा एक नंबर है सिक्स, उस नंबर का कोई भी नंबर ले, नंबर है सिक्स, इस नंबर का एक फैक्टर ये सेल्फ भी तो है, है ना। जैसे हर में एक नंबर का देख लो, जैसे मैं अगर थ्री का निकालता हूँ तो क्या होता है, वन थ्री, फोर का निकालता हूँ वन टू फोर, वन टू फोर, फाइव का निकालते हैं तो वन और फाइव, सिक्स का निकालते हैं तो वन टू थ्री सिक्स, ठीक है। यानी ये सब का फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल फैक्टर। और सेल्फ हर नंबर में आएगा, खुद को तो हर एक नंबर ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो हर एक नंबर का फैक्टर नंबर सेल्फ खुद होता है, ठीक है। तो ये दो तो हर एक नंबर के केस में होंगे, है ना। ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल ये दो ही फैक्टर हो। लिखो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, a number would be called prime number, a number would be called prime number if it have a number ke matlab, a number would be called prime number if it have only two factor, that is one and self, ठीक है। अगर एक नंबर में केवल दो ही फैक्टर होंगे, कौन कौन से, तो वन और सेल्फ, इसके अलावा तीसरा फैक्टर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। तो एक नंबर प्राइम नंबर होगा कब, जब उसमें केवल दो ही फैक्टर होंगे, दो से ज्यादा तो सब में मिलेंगे, दो से कम किस में मिलेंगे, दो तो मिलेंगे, है ना। दो से ज्यादा मिलेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, और ये दोनों ही मिलेंगे। वो दोनों कौन कौन से हैं, एक तो यूनिवर्सल और दूसरा सेल्फ। अगर ये दो ही उसके फैक्टर है तो वो क्या है, तो इसके अलावा फर्दर कोई नंबर उसका अगर फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं अपन, जीरो पहले तो नेचुरल नंबर से बाहर आएगा, ठीक है। और ये तो जीरो तो क्या है, नथिंगनेस को शो करता है, कुछ भी नहीं है, तो इसको तो छोड़ो, ठीक है। वैसे भी इसके फैक्टर है क्या, वन यूनिवर्सल फैक्टर है क्या इसका, वन नहीं है, बताओ नहीं है, है? बताओ वन इसका यूनिवर्सल फैक्टर है क्या, ठीक है। और ये खुद इसका फैक्टर है क्या, नहीं, सेल्फ नहीं है, जीरो बाई जीरो, नथिंगनेस को नथिंगनेस से डिवाइड करेंगे, ये कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड, ठीक है। नहीं अभी देखो, अभी उसका भी मैं डेफिनेशन करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। आप देखो अपन को प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो पता चली थी क्या, कि ऐसा नंबर जो क्या हो, ओनली दो ही फैक्टर्स रखता हो, सेल्फ और वन, हाँ तो वन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फैक्टर, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स में, पहला नंबर वन है, कितने फैक्टर होते हैं इसके, वन, एक ही तो फैक्टर होता है इसके, दो फैक्टर है क्या इसके, नहीं। तो ये प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं, नहीं। तो वन प्राइम नंबर है या नहीं है, नहीं है। तो अगर तुमसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वन होता है क्या, नहीं होता, वन प्राइम नंबर भी होता है क्या, नहीं, व्हाई, बिकॉज़ वन हैव वन फैक्टर,
वन हैव ओनली वन फैक्टर बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर नंबर वुड बी प्राइम इफ इट हैव ओनली टू फैक्टर्स विच इज यूनिवर्सल फैक्टर और सेल्फ इट सेल्फ है ना. तो इसमें तो एक ही कंडीशन फॉलो हो रही है कौन सी सेल्फ वाली और वन वाली दोनों सेम ही तो है ओवरलैप कर गई. हम कंडीशन तो दो फॉलो करवा रहे हैं एक्चुअल में है क्या वो एक ही है. अगर मैं बोलूं यूनिवर्सल फैक्टर है सेल्फ है पर दोनों बात तो एक ही है तो ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है. डेफिनेशन के जो डेफिनेशन का क्राइटेरिया डेफिनेशन का उसके बाहर रह गए. फिर स्टार्ट करके दूसरा नंबर टू इसके दो फैक्टर कौन से हैं वन और सेल्फ टू तो ये प्राइम है. इधर लग गया थर्ड थ्री ये प्राइम हो गया. फैक्टर्स क्या है वन और थ्री हाँ तो ये प्राइम है. फोर्थ नहीं है वन टू फोर एक एक्स्ट्रा फैक्टर होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है. अब देखो सोचने वाली बात ये है इवन नंबर क्या होता है जो टू से डिवाइड हमने ये तो देखा ना जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए तो इसकी हमने ट्रिक क्या निकाली जो टू से डिविजिबल हो जाए वो नंबर क्या है इवन नंबर है. अब हर एक इवन नंबर टू से डिवाइड होगा अगर टू से डिवाइड होगा तो टू उसका फैक्टर होगा या नहीं होगा तो यानी अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो उसमें यूनिवर्सल फैक्टर के अलावा और सेल्फ के अलावा तीसरा फैक्टर क्या होगा टू. तो इवन नंबर तो प्राइम नंबर हो नहीं सकता तीसरा फैक्टर आ गया यानी यही एक ऐसा नंबर है जो क्या है इवन भी है और प्राइम भी है. इसके बाद में फोर नहीं होगा टू से डिवाइड होता है इसका टू फैक्टर है. सिक्स का भी टू फैक्टर होगा एट का भी टू फैक्टर होगा और फैक्टर और होंगे पर हमें तो तीसरा फैक्टर मिलता ही प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर की डेफिनेशन तक बाहर हो गया ये नंबर. तो आगे फर्दर जो भी इवन नंबर होंगे वो क्या होंगे प्राइम नहीं होंगे. बस ये इकलौता प्राइम नंबर ये स्पेशल केस हो गया. इसको तुम ऐसे करके स्टार लगा के ले सकते हो और ये क्या है इवन ऐसे लिखो ओनली इवन प्राइम नंबर ठीक है. अब देखो एग्जामिनेशन कैसे पूछ सकते हैं तुमको कंफ्यूज करने के लिए कि क्वेश्चन लगेगा तुम्हें बहुत बड़ा लाइक फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर. तो ऑल में कितना होता है इवन प्राइम नंबर एक ही होता है तो सारे इवन प्राइम नंबर्स का सम कितना होता है टू क्योंकि एक ही नंबर है टू ठीक है. तो ये कंफ्यूज होने वाली दिक्कत नहीं है यहाँ पे कि सारे इवन प्राइम नंबर्स का मैं नंबर सम कैसे निकालूंगा कहां तक निकालूंगा इनफाइनाइट होते हैं नहीं. इवन बोल दिया कैटेगराइज कर दिया कि पहला तो इवन होना चाहिए और फिर प्राइम होना चाहिए तो एक ही नंबर ऐसा ठीक है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी क्या है टू क्योंकि इससे छोटा वन था वो तो था ही नहीं प्राइम नंबर ठीक है. स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है थ्री और बाकी के ऑड प्राइम नंबर होने की संभावना है. तो देखो अब हम इवन देखेंगे ही नहीं क्योंकि मैं बता इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा. तो फाइव को देखो प्राइम है सेवन है नाइन है नो थ्री से डिवाइड हो रहा है इलेवन है ठीक है. तो आज का होमवर्क तो यही है कि तुमको एक से हंड्रेड तक प्राइम नंबर निकालना ठीक है और उनका सम भी निकाल लेना वन टू हंड्रेड तक जितने प्राइम नंबर होते हैं पहले तो बताना है तुम्हें काउंटिंग में कितने होते हैं ठीक है. दूसरा उनका सम कितना होता है और तीसरा उनका एवरेज कितना होता है ठीक है. और फिर इसके आगे हम फर्दर पढ़ेंगे इसी को आगे प्राइम नंबर्स को ही और पढ़ेंगे आगे ठीक है. प्राइम नंबर्स को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा आगे ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे क्या कंपोजिट जो प्राइम नहीं हो गया है कंपोजिट ठीक है. तो पहला देखो ये लिख लो तुम्हें होमवर्क में क्या लिखना है या फिर तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए तीन क्वेश्चन देता हूं प्राइम नंबर फ्रॉम दो कैटेगरी में निकालना वन टू फिफ्टी और फिफ्टी टू हंड्रेड. दूसरा सम इनका सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर फ्रॉम वन टू हंड्रेड और अब जब सम ही निकालोगे तो एवरेज भी निकालोगे इजी रहेगा एवरेज क्या रहेगा कैसे निकालोगे एवरेज तो कितने आएंगे 25 से डिवाइड करना है वेरी गुड समझ गए यानी 25 से डिवाइड करना है ये होते हैं टोटल
प्राइम नंबर क्या होंगे? तो अगर तुम इनका सम भी निकाल लोगे, अगर तुमने सम ही निकाल लिया सारे प्राइम नंबर्स का, तो एवरेज निकालना भी डिफिकल्ट टास्क थोड़ी है। बस 23 जितने भी नंबर होंगे उनसे डिवाइड कर दोगे, एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है अपना कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो पहला तो हमें ये पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं है, है? ये सीधा सा डायरेक्शन हमें पता है कि जो प्राइम नहीं है वो बच के सारे क्या है? सही है? सही है ना? जो नंबर सारे प्राइम नहीं है वो अब क्या है? ये गलत है। वन प्राइम नंबर नहीं था पर वो कंपोजिट थोड़ी है। अब देखो कंपोजिट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लिखो कंपोजिट नंबर A number which is composed of more than two factors. A number which is composed of more than two factors is called composite number. तो number के दो से ज्यादा factor होने चाहिए थे, है ना? तो number start करते हैं अपन one. इसके दो से ज्यादा factor थोड़ी है? नहीं है। जब इसके दो से ज्यादा फैक्टर ही नहीं है तो ये कंपोजिट कैसे होगा? इसके तो दो ही नहीं थे, दो ही होते तो ये प्राइम नहीं हो जाता, तो दो से ज्यादा तो क्या ही होंगे, तो ये क्या है? कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं, ये इसकी क्राइटेरिया से भी बाहर हो जाएगा। तो अगर तुमसे पूछे कि वन प्राइम है या कंपोजिट, नन ऑफ दीज है ना, नाइदर ऑफ दीज, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एंड व्हाई यू हैव द डेफिनेशंस। ठीक है, तुम्हारे पास डेफिनेशंस है उनकी, तो फिर अपन करेंगे टू, ये तो प्राइम था, दो ही फैक्टर थे, थ्री दो ही फैक्टर थे, तो ये भी क्या नहीं है? कंपोजिट नहीं है। फोर दो से ज्यादा फैक्टर है, फाइव प्राइम नंबर है तो उसके तो दो ही फैक्टर होंगे, सिक्स कंपोजिट है, सेवन तो प्राइम है, एट कंपोजिट है, नाइन प्राइम। अब वन के अलावा जो सारे प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है? हाँ, अब इसके बाद में वन की डेफिनेशन के लिए ही हमने ये डेफिनेशन सीखी है। इसके बाद में इसके अलावा जो नंबर्स है वो अगर प्राइम है तो कंपोजिट नहीं है, कंपोजिट है तो प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे ही होंगे। ठीक है, अब यहां से एक टर्म निकल के आती है को प्राइम नंबर, इसको याद रखना, को प्राइम नंबर। को का मतलब क्या होता है? तुमने रूट वर्ड्स में इसी क्लास में सबने बताया भी होगा को का मतलब क्या होता है। टुगेदर, या फिर रिलेटिव, एक दूसरे से जो संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इनका दूसरा नाम क्या हो जाता है? रिलेटिव प्राइम नंबर। कंफ्यूज मत होना, अगर रिलेटिव प्राइम बोलते हैं या को प्राइम बोलते हैं, दोनों नंबर क्या है? सेम। तो अगर तुमको बोले अब कि को प्राइम नंबर क्या होता है और रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर से तो समझ में नहीं आएगा, पर रिलेटिव प्राइम नंबर से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि दो नंबर एक दूसरे के रिलेशन में प्राइम है, है ना? तो क्या होंगे वो? को प्राइम नंबर। जैसे हमको पता था प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर थे, कौन से? एक तो उसका यूनिवर्सल फैक्टर था क्या? वन, और एक क्या था? सेल्फ। अगर दो नंबर ही उसके फैक्टर है तो जाहिर सी बात है उसका एचसीएफ क्या आएगा? क्या आएगा? वन। ठीक है, यानी प्राइम नंबर्स का एचसीएफ तो क्या आता था? वन ही आएगा हमेशा ही। ये तो सिंपल सी बात है कि दो नंबर है, दोनों के बीच में कोई फैक्टर ही नहीं है, और तो वो क्या होंगे? कॉमन फैक्टर कहां से निकल के आएगा जब दो ही फैक्टर है? ठीक है, ठीक है, तो वो क्या होंगे? उनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वन ही बचेगा उनका। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि दो नंबर है, 15 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं, इसके फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, इसका क्या हो जाएगा? 3 × 5। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? 4, ये 8 और ये 16। अब बताओ इनका एचसीएफ कितना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1।
तो इनका एलसीएम भी क्या है, क्योंकि अगर हम ढंग से भी देखें तो इसके फैक्टर क्या क्या थे, 1, 3, 5 और 15 और कोई नहीं थे इसके, 1, 2, 4, 8, 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था, इसके अलावा कुछ कॉमन था नहीं है, तो यही था इसका कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब ऐसे दो नंबर, कोई भी दो नंबर जो एक दूसरे के रिलेटिवली क्या हो, प्राइम, दोनों ही प्राइम नहीं है, ये प्राइम है नहीं, ये प्राइम है नहीं, पर इसके रेस्पेक्ट में ये प्राइम है, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है 1, पर इसके रेस्पेक्ट में ये प्राइम है, जबकि एक्चुअली में है नहीं। अगर मैं ऐसे समझा भी रहा हूं ना कि इसके रेस्पेक्ट में ये प्राइम है, इसके रेस्पेक्ट में प्राइम है, तो इस रेस्पेक्ट में भी प्राइम नहीं है, पर एक्चुअली इनके जब ऑपरेशन करते हैं यानी प्लस माइनस है, इनको कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन लेने की बात आ जाती है, तो हमें से इसका कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, 1 इन दोनों नंबर्स का। तो ये एक दूसरे के लिए प्राइम नंबर की जैसे बिहेव करेगी, ठीक है, कुछ कॉमन ही नहीं है तो प्राइम नंबर की जैसे बिहेव करते हैं। दो प्राइम नंबर्स को ले लो 3 और 7, जैसे ये बिहेव करते हैं कुछ चीज कॉमन लेने के लिए, जैसे ये बिहेव करेंगे, ये प्राइम है नहीं पर रिलेशन इनका प्राइम जैसा ही है जो इन दोनों का है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम, ठीक है, ये क्लियर है, ओके। अब इसको यही रखते हैं, ये हमारा बेसिक साइज का, अब हम ट्वीन प्राइम नंबर देखेंगे और इसके अलावा सीधा अपन किस पे चलेंगे, मल्टीपल्स पे। एक तरीके से हमने फैक्टर्स देख लिए, फैक्टर्स दोबारा भी देखेंगे अपन जब फैक्टराइजेशन की बात आएगी, इनके फैक्टर्स को हम निकालेंगे पहले एक यूनिट, तो यही करेंगे फिर हम अलजेब्रिक टाइम्स के फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद में अपन चलते हैं कल मल्टीपल्स पे चलेंगे। और मल्टीपल्स से तुम मुझे बताओ कि कोई भी चीज के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स का मतलब है किसी भी चीज को बार बार ऐड करना, 6 को तुम 4 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, हाँ, तो यहां से नई चीज निकलती है कि मैं 6, देखो यहां से एक नंबर है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, बार बार रिपीटेशन हो रहा है ना चीजों का, जैसे हमने देखा था कि संज्ञा सर्वनाम में वो रिपीटेशन को हटाने के लिए संज्ञा की जगह क्या ले लिया, सर्वनाम 9 की जगह प्रनाम कम ले लिया ताकि रिपीटेशन बार बार ना हो, ठीक है, तो यहाँ भी रिपीटेशन बार बार नहीं हो तो नई टर्म क्या बन गई, मल्टीपल्स, यानी 6 को 4 बार जोड़ने पे मैं ऐसे लिख दूंगा कि उसको ऐसे लिखूंगा 4 times of 6, 4 बार में 6 4 times 6 ये तो है 4 times 6 है, तो 4 times 6 कितना होता है 24, ऐसे तो बोलते हैं 4 6 are 24, ये तो होते हैं टेबल बोलते हो तुम, क्या बोलते हो 4 6 are 24, यानी 4 बार 6 को मैंने लिखा तो कितना आएगा 24, तो ये 24 इसका मल्टीपल ही तो है, इसके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 बार ऐड कर दो, यानी जब मैं किसी भी चीज को बार 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 ऐड करता हूँ यानी परपेचुअल या मल्टीपल टाइम्स एडिशन से, सेम नंबर के मल्टीपल टाइम एडिशन से क्या बनता है, मल्टीपल्स बनता है। सिमिलरली अगर मैं सेम नंबर को बार बार सेवरल टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हाँ एक नाम यहाँ जनरेट होता है पावर, ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, सिक्स टू द पावर 4, मतलब यहां इसका मतलब ये है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 6 के ऊपर 4 ऐसे, कि 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जबकि इसका मतलब क्या है 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई, इसको 6 को 4 टाइम ऐड करना है, 6 को 4 टाइम ऐड करना है तब तो मल्टीपल्स बनेंगे, और जब 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेंगे, तो ये हम कल आगे पढ़ेंगे, इनकी आइडेंटिटीज याद करेंगे क्यों ऐसा होता है, बिल्कुल तय तक जाएंगे बेसिक्स। तो यहां तक का समझ में आया आज, ठीक है, ओके देखो।